उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर भाजपा में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार जारी है। इन सबके बीच योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। भारत में महिलाओं की स्थिति जमीनी स्तर पर चाहे जैसी हो, लेकिन अगर एक औरत कुछ करने की ठान ले तो उससे वो काम पूरा करने से भगवान भी नहीं रोक पाता। हम सभी जानते हैं कि कुछ जॉब ऐसी होती हैं जहां महिलाओं को काम करने में काफी मुश्किलें होती हैं। इनमें से ही एक है पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब। सरकार की तरफ से महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर हर जगह उन्हें काम करने का अधिकार दे दिया गया है। रूस के अधिकारियों ने प्रतिबंधित सामग्री हटाने में कथित तौर पर विफलता के चलते फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर जुर्माना लगाया है। इस कदम को देश में राजनीतिक असंतोष के बीच सोशल मीडिया मंचों में नियंत्रित करने सरकार के बढ़ते प्रयासों का हिस्सा माना जा सकता है। मॉस्को की अदालत ने बृहस्पतिवार को फेसबुक पर 1.7 करोड़ रूबल और टेलीग्राम पर 1 करोड़ रूबल का जुर्माना लगाया। दोनों मंच किस प्रकार की सामग्री को हटाने में असमर्थ रहे इसका अभी पता नहीं चल पाया। हाल के हफ्तों में दोनों मंचों पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का अभियान पूरा हो गया है और उनका विभाग देश से अपने लोगों और साजो सामान को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल में ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से इस साल 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। भारत बायोटेक की कोविड 19 वैक्सीन कोवैक्सीन को झटका देते हुए अमेरिकी खाद एवं दवा नियामक ने इसके अमेरिकी साझेदार ओक्यूजेन इंक को सलाह दी है कि वह भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के साथ जैविक लाइसेंस आवेदन BLA मार्ग से अनुरोध करे। ओक्यूजेन ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि वह FDA की सलाह के अनुसार कोवैक्सीन के लिए BLA दाखिल करेंगी। BLA FDA की पूर्ण अनुमोदन व्यवस्था है। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन से पार्टी आलाकमान दूरी बनाए हुए है। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल से जनता पहले ही परेशान है और आज यानी शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी कर दी है। आज भारतीय बाजार में पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके बाद तेल की कीमत उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैवान करने वाला मामला सामने आया। पिपराइस थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं की छात्रा से अवैध संबंध बनाने वाले शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सौंपने की जगह गांव के पंचों ने शिक्षक के पक्ष में छात्रा से शादी का फैसला सुना दिया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 3 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि नजफगढ़ में तेज रफ्तार डंपर ने सुबह सैर करने के लिए लोगों को कुचल दिया। डंपर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी की वायदा कीमत में तेजी आई है। MCX पर सोना वायदा 0.15% बढ़कर 49,275 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 0.5% बढ़कर 72,357 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले सप्ताह 5 माह के उच्च स्तर 49,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचने के बाद सोने में गिरावट आई है। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से करीब 7,000 रुपए नीचे है।